हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिव्यू ऑफ हेयर सीरम। जी हाँ, हेयर सीरम के बारे में आज हम बात करेंगे। जिन लोगों को हेयर फॉल होता है, और मोस्टली लोग क्या डॉक्टर्स रिकमेंड आपको सीरम ही करते हैं कि आप हमेशा अपने बालों में हेयर सीरम अप्लाई करें। डॉक्टर्स ऑयल को तो बिल्कुल मना करते हैं। अगर आपने भी अभी रिसेंटली या कुछ दिन पहले कभी भी किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया हो, तो उन्होंने आपको जरूर बताया होगा कि आप अपने बालों में हेयर ऑयल ना लगाएं, अपने बालों में आप हेयर सीरम अप्लाई करें। जी हाँ, तो आज का वीडियो यही होने वाला है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। जिन लोगों के बाल बहुत गिर रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल से बहुत परेशान है, समझ नहीं आ रहा है कि हेयर फॉल क्यों हो रहा है, तो उसी के लिए आज हमारा वीडियो है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि हेयर फॉल जब हमें होता है, तो हमारे जो बाल होते हैं जो थोड़े बहुत गिरते हैं, थोड़े जैसे 10 से 15 बाल गिर गए तो ये नॉर्मल आता है। लेकिन उससे ज्यादा वे में अगर आपके बाल गिर रहे हैं, तो आपके लिए एक वार्निंग का इंट्यूशन है कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, या अपना जो भी आप कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं उसको रोकें, और डॉक्टर से जाके सबसे पहले अपने बालों के बारे में कंसल्ट करें। क्योंकि एक वक्त आएगा, अगर आपके बाल ऐसे ही गिरते रहे ना, तो आपके बाल गंजा होने में आपको वक्त नहीं लगेगा। जी हाँ, मैं सही कह रही हूँ। यहाँ मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि आप अपने बालों में हेयर सीरम अप्लाई करिए। जो बालों के लिए हेयर सीरम होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि आप हेयर ऑयल का यूज ना करें, अपने बालों में आप हमेशा हेयर सीरम अप्लाई करें। तो आज वही सीरम है जिसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका जो हेयर फॉल होता है वो आपको स्ट्रेस की वजह से होता है। कभी कभी हमें ये लगता है कि हमारे बाल बहुत ड्राई हो गए, या फिर कभी कभी डैंड्रफ की वजह से भी आपके बाल गिर जाते हैं, या कभी कभी आपकी बॉडी में जो अंदरूनी कमी होती है उसकी वजह से भी आपका हेयर फॉल काफी होता है। जी हाँ, तो यहाँ मैं आपको ये बताऊंगी कि जब आपको हेयर फॉल होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि कोकोनट का ऑयल लगा लो खूब सारा रात में, या सुबह वॉश कर लो, या ऑलिव ऑयल लगा लो, तो ये सब नहीं, डॉक्टर्स भी आपको सीरम ही रिकमेंड करते हैं। तो यहाँ मैं आज आपके साथ एक सीरम शेयर करने वाली हूँ, जो कि हेयर फॉल के टाइम मुझे भी एक डॉक्टर ने रिकमेंड किया था। अगर आप भी ये प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हो, तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना, उसके बाद इस प्रोडक्ट को यूज़ करना। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देती हूँ। तो जो हमारा प्रोडक्ट है हेयर सीरम का, वो है हमारे पास मोर मैक्स के नाम से ये सीरम आता है, और ये इनरिच विद प्रॉपर कैल्पेल आपको मिल जाता है। अल्कोहल फ्री है। हेयर फॉल जब आपको होता है तो आप ये सीरम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जान लेते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स और इसमें क्या क्या खासियत है और इसे हमें किस तरह यूज़ करना है। तो ये है हमारा मोर मैक्स का 5% हेयर सीरम, एंड ये आपके बालों में जो बालों का हेयर लॉस होता है, आपके बाल गिरते हैं, जो आपके बालों में ग्रोथ नहीं होती है, ये उसके लिए काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। एंड समटाइम्स ऑफ एलोपेशिया जब आपके बालों में हो जाता है, तो डॉक्टर भी इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं जब आपके स्कैल्प में हो जाता है। और ये सीरम आप एटलीस्ट रोज़ डेली आपको यूज़ करना होगा रात में, एंड इसे मैन एंड वुमेन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं फॉर हेयर लॉस के लिए। और ये आपको अपने स्कैल्प में अप्लाई करना होता है रोज़ रात में। इसे आप अपने स्कैल्प पे आपको इसकी मसाज करनी है, एंड और अगले दिन ही आपको अपना हेयर वॉश कर लेना है। एंड इसकी जो टेक्सचर है वो आप देख सकते हो, इसका टेक्सचर नॉर्मली सीरम्स की तरह है। आप इसे अपने बालों में रोज़ डेली अप्लाई कर सकते हो।